गरम गरम दूध पी लो। ओ बाबा मौसम क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त अक्षय रिकॉर्ड और आज हम जा रहे हैं सालासर नियर टू राजस्थान और सफ़र कुछ 265 किलोमीटर का है और मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। और अभी सेक्टर 21 की सीएनजी पंप पे आए हैं और सीएनजी फुल कराते हैं और सीधे निकलते हैं फिर सालासर के लिए। और मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बताने में, हम सालासर नहीं, हम खाटू श्याम जा रहे हैं और जो कि दिल्ली से अराउंड 289 किलोमीटर है। और रास्ते में इतने टोल पड़े हैं, क्या बताऊँ कितने पड़े हैं, कम से कम 7-8 टोल पड़े हैं और अराउंड 800-900 हमारा टोल ही लगा। और अभी निर्माणा पहुँच चुके हैं, गाड़ी अराउंड 140 के अराउंड हमने चला दी है और यहाँ पर सीएनजी फ्यूल फुल कराते हैं फिर आगे के लिए निकलते हैं। और अभी देखते हैं डिनर वगैरह के लिए, अभी रास्ते में कार रुकी है, रास्ते बहुत गंदी, बहुत बुरी बारिश हो रही थी। और वीडियो बनाने के चक्कर में ये एक साइड से मेरा साइड मिरर एक श्रद्धालु के हाथ में लगा, बट थैंक गॉड उन्होंने कुछ नहीं कहा। फाइनली खाटू श्याम पहुंच चुके हैं। ये हमारी धर्मशाला है जो हमने दिल्ली में बुक कर ली थी और ये हमारी पार्किंग में गाड़ी उधर लग गई है। अब धर्मशाला में अंदर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह मिलता हूँ मैं आपसे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नया दिन, एक और नया सफर और आज है 17 अगस्त 2022। कल डेट बताना भूल गया था, कल हम निकले थे 16 तारीख को और ये हमारी धर्मशाला है जहाँ पे हम रात को रुके थे। अब नहा धो लिए हैं और अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम के दर्शन करने और सबसे पहले हम कुंड पे जाएंगे। ऐसा माना जाता है जिस तालाब और सरोवर के अंदर श्याम जी का सर निकाला गया था उसके अंदर व्यक्ति स्नान करते हैं और स्नान करने से उनकी बीमारियां दूर होती हैं और उनकी अच्छी सेहत बनती है। आई थिंक ये पहले बाबा की द्वार का मेन गेट हुआ करता था बट अब इसे एग्जिट पॉइंट बना रखा है। और मंदिर से पहले लेफ्ट साइड में जाने के बाद श्याम बाबा का ये कुंड पड़ता है जिसमें लोग आके स्नान वगैरह करते हैं। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार ये किस तरह का कुंड बना हुआ है। और यहाँ कुंड में स्नान करने के बाद हम यहाँ ऊपर आए और ऊपर आने के बाद ये राइट साइड में एक हनुमान जी एक प्राचीन मंदिर है और मैंने काफ़ी देखा यहाँ पे बट मुझे इसका मेन गेट नहीं मिला, सो यहाँ पे भी हम अंदर नहीं जा पाए। अब यहाँ से हम सीधा आगे चलते हैं बाबा के द्वार और ये एक तरह से परिक्रमा भी हो जाती है बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं परिक्रमा का। और शो हम अभी एक शॉप पे रुके हैं और यहाँ से बाबा के लिए प्रसाद लेंगे। और सारे श्रद्धालु यहाँ से आने के बाद इस तरफ उड़ रहे हैं, यहाँ से मंदिर के लिए लाइन लग रही है और देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तब इसमें से निकलते होंगे। और ये अब हम लाइन में खड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है। और यहाँ हमने बाबा के दरबार में एंट्री करी और यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है और हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरह हो गए, अब हम बाहर आ गए हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ की लोकल मार्केट में आए, हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और
ये मार्केट एक्सप्लोर की और यहाँ से कुछ हमने लॉकेट वगैरह और कड़े वगैरह लिए हमने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। अगर आप लोग काफ़ी दूर से आते हैं तो आपको यहाँ आराम से धर्मशाला और होटल वगैरह मिल जाएंगे। धर्मशाला आपको निःशुल्क भी मिल सकती है और चार्जेबल भी हो सकती है, डिपेंड करता है धर्मशाला पे। और होटल वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट और खाना आपको मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के आसपास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और डिनर आपको रात को लास्ट से लास्ट आपको 10:30 और 11 तक ही मिलेगा। यहाँ थाना भी है गाइस, अगर आपका दोस्त आपको परेशान करता है तो उसको यहाँ बंद करवा सकते हो। ऐसे तो नहीं होता है। बाबा के दर्शन करके हम अपने धर्मशाला आ गए हैं। वो उधर हमारी गाड़ी खड़ी है और धर्मशाला चलते हैं अंदर, रश करेंगे थोड़ा। फर्स्ट टाइम था कि मैं नियर टू 300 किलोमीटर सेल्फ ड्राइव करके आया हूँ अकेला, मतलब ड्राइव में अकेला करके, साथ में और भी लोग हैं। तो रात को 1:30 बज गया था, सोते सोते 2 बज गए थे और सुबह 6 बजे उठ के तो नींद पूरी नहीं हुई, इससे 4 घंटे हुए हैं। तो अब देखते हैं रेस्ट करते हैं। और ये अंदर से भी है हमारे धर्मशाला जी, ये नीचे है, नीचे भी बहुत सारे रूम हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ऊपर है, और अराउंड 500 तो रूम होंगे यहाँ पे भी। लाइट तो नहीं आ रही यार। और हमारा धर्मशाला में रूम कुछ इस टाइप का था, एक दो आदमी के लिए बेड इधर लगा हुआ है, दो आदमी आराम से, चार चार भी आ गए दोनों पे। और ये शीशा लगा हुआ है, पीछे कूलर है, ये वॉशरूम है। 2000 years later पूरे ट्रिप में बाल आप जाके ठीक हुए 2 घंटे सोने के बाद। और जैसे धर्मशाला का नाम पालम द्वारका है तो ये पालम द्वारका के तरफ से ही और बाबा के दर्शन करने के बाद हम एक मंदिर और गए। इसकी वीडियो मैं इस वीडियो के 3 से 4 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जल्द मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।